जब ये विधानसभा में पारित होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उस समय उन्होंने कोई इसके ऊपर सुझाव नहीं दिए थे। उन्होंने कहा था सरकार बिल लेकर के आए, हम इसके ऊपर अपना समर्थन देंगे। जब वो विधानसभा में समर्थन वो दे करके आए हैं और वो कोर्ट में वो मामला पेंडिंग है, तब इनेलो इसका समर्थन करता है, तो इसका मतलब खाली इनेलो नहीं, कांग्रेस भी जाकर के इस आंदोलन का समर्थन कर रही है, तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल और केवल एक घृणित राजनीति हरियाणा प्रदेश में करने का ये दोनों ही दल प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर दंगा भड़का था, इस बार भी हरियाणा सरकार के करने लायक कोई भी ऐसा काम बचा नहीं है। एक बात और वो कहते हैं, जैसे मैंने बात कही थी आरक्षण की, बात कही थी आरक्षण हमने दे दिया, दूसरी उन्होंने नौकरियों की बात कही थी और उस उन परिवारों को आर्थिक सहायता की बात की थी, वो शुरू में दे दी गई थी आर्थिक सहायता, उसी समय दे दी गई थी। नौकरियों की बात कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर ली है। एक मांग और उनकी है कि नौजवानों के ऊपर या इस आंदोलन में जिन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे, उन लोगों को के मुकदमे खारिज करके उनको बाहर किया जाए जेलों से। इसमें हमारी सरकार का केवल एक कहना है, जो लोग इसमें निर्दोष हैं, पहली बात तो निर्दोष को इसमें अंदर गया नहीं होगा, अगर फिर भी कहीं लगता है कोई व्यक्ति निर्दोष इसमें जेल के अंदर है, इस प्रकार के परिवारों से भी और खाप के उन सब नेताओं से जो आंदोलन में लगे उनसे मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहूंगा कि ऐसे जो लोग जिनको वो निर्दोष मानते हैं उनके आगे कोई पैरवी वो करें सरकार के साथ मिलकर के, ताकि कोई भी अगर इस सारे मामले में निर्दोष कोई अंदर है, निर्दोष को सजा किसी मामले में मिलनी नहीं चाहिए, दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर निर्दोष लोगों के वास्तव में वो लोग कैसी हैं तो उनके कोई इस प्रकार के उसको मामले को कोई वो आगे बढ़ाएं कि सरकार के साथ मिलकर के, एक भी ऐसे व्यक्ति की एप्लीकेशन आज तक सरकार के पास नहीं आई है जो ये कहता हो कि मैं निर्दोष हूं और मुझे बाहर आना चाहिए, सरकार मेरे साथ गलत कर रही है या मेरी कोई दोबारा से इंक्वायरी करनी चाहिए, एक भी ऐसी आज तक एप्लीकेशन नहीं आई। अगर कोई ऐसा आता है, व्यक्तिगत कोई आता है या कोई खाप पंचायतों के माध्यम से कोई इस प्रकार का कोई मामला आता है, तो निश्चित रूप से सरकार उस बात के ऊपर गौर करेगी और निर्दोष को अंदर नहीं। कल सर